1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इसराइल के ऊपर 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी और इस हमले के बाद इसराइल ने कहा था कि वो ईरान से बदला जरूर लेगा और इसराइल के इस ऐलान के बाद से ही ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजरायली हमले का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस सब के बीच रूस ईरान की ढाल बनकर पहले ही खड़ा था और अब इसमें चीन की भी एंट्री हो चुकी है जो इसराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दरअसल चीन के लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम अब ईरान में तैनात हो चुके हैं जिससे इस बात की तस्दीक होती है कि इजरायली हमलों से बचने के लिए अब चीन ने ईरान को कई ताकतवर हथियार दिए हैं और ये हथियार आज के जमाने की तकनीक और ताकत से लैस हैं। और दरअसल 27 दिसंबर 2024 को हिजबुल्ला के प्रमुख हसन नसरल्ला को IDF ने एक हवाई हमले में ढेर कर दिया था और नसरल्ला की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनेई अंडरग्राउंड हो गए थे। उनको डर था कि कहीं नसरल्ला के बाद अगला नंबर उनका ना हो। लेकिन करीब एक हफ्ता किसी गुप्त जगह पर रहने के बाद पिछले हफ्ते 4 अक्टूबर 2024 को आयतुल्ला जुमे की नमाज के दौरान नजर आए। इस दौरान उन्होंने ईरानी जनता को संबोधित भी किया लेकिन इस दौरान उनके बिल्कुल पास एक एंटी ड्रोन और एंटी मिसाइल लेजर सिस्टम को तैनात किया गया था जिसका पता खामेनेई की तस्वीरें वायरल होने के बाद चला और इन तस्वीरों के सामने आने के बाद इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम है जिसे खामेनेई की सुरक्षा के लिए उनके आसपास तैनात किया गया था। जब इन तस्वीरों को बेहद करीब से देखा गया तो इस बात का पता चला कि ये चीन के लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम ही है। हालांकि इनका मॉडल कौन सा है इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसकी रेंज करीब 4 किलोमीटर तक है। ये चीन के साइलेंट हंटर सिस्टम का एक वेरिएंट हो सकता है। हालांकि कुछ जानकारों का मानना है कि तेहरान में दिखा लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम चीन के साइलेंट हंटर से अलग है क्योंकि दोनों के अपर्चर के साइज में काफी फर्क है। चीन के साइलेंट हंटर का अपर्चर छोटा है जबकि ईरान के एंटी ड्रोन सिस्टम का अपर्चर आकार में बड़ा था। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये चीन का शेन नोंग लेजर सिस्टम हो सकता है जिसकी टारगेट रेंज करीब 5 किलोमीटर है। इस सिस्टम से 10 से 20 किलोमीटर पावर रेंज की लेजर निकलती है। ये सिस्टम 2 किलोमीटर तक गैर विध्वंसकारी या चकमा देने वाली लेजर निकाल सकता है जिसकी वजह से ड्रोन टारगेट को ढूंढकर उस पर हमला करने की ताकत खो देता है। वो अपने टारगेट से भी भटक सकता है लेकिन ये सिस्टम ऑटोमेटेड या मल्टी मोड हमला करने की ताकत रखने वाले ड्रोन्स के आगे कारगर नहीं है जिसकी वजह से कुछ टारगेट्स 1.5 किलोमीटर के भीतर ही तबाह हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक चीन के इस एंटी ड्रोन सिस्टम से एक बार में लेजर 3 मिनट से ज्यादा तक चल सकती है। हमला करने के लिए इस सिस्टम को चार्ज करने में 5 मिनट से भी कम का समय लगता है। वहीं इसको लेकर यूरेशियन टाइम्स ने चीन की आर्मी PLA पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स के हवाले से बताया कि तेहरान में दिखा लेजर एंटी ड्रोन सिस्टम चीन का शेन नोंग 3000 एंटी ड्रोन लेजर गाइडेड सिस्टम हो सकता है। इसका डिजाइन अलग हो सकता है। एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम काफी सामान्य है और PRC द्वारा मैन्युफैक्चरर किए गए श्रेणी में कई एंटी ड्रोन प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। ये भी हो सकता है कि ये चाइनीज प्रोडक्ट ना हो और ईरान का स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम हो। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि ईरान के लिए इजराइल के ड्रोन और मिसाइलों को रोक पाना काफी खर्चीला है इसलिए उसने अब्जोर लेजर आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम पर दिया है जो खर्च के मामले में काफी किफायती है। और यही वजह है कि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन हालातों में भी ये हो सकता है कि ईरान ने चीन के एंटी ड्रोन सिस्टम को क्लोन किया हो या फिर उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसे एक नया रूप दिया हो। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ड्रोन सिस्टम आखिर ईरान में कब आया और क्या ईरान ने इसे इसराइल पर हमला करने से पहले बनाया या फिर हाल ही में उसने इस टेक्नोलॉजी को चीन से हासिल की है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इस सिस्टम को हासिल करने में चीन ने ईरान की मदद की है क्योंकि गाजा युद्ध शुरू होने के बाद से ही चीन का रुख ईरान की तरफ ज्यादा नरम है। उसने हमास के इसराइल पर हमले की निंदा भी नहीं की थी और ईरान द्वारा इसराइल पर हमले को उसने इसराइल की आक्रामकता का नतीजा बताया था।